आए तनाव का असर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक समुदाय से कनाडा छोड़ने को कहा गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कनाडा की सरकार ने कहा है कि वो इसकी कड़ी आलोचना करती है और कनाडा की जमीन पर इस तरह की नफरत की कोई जगह नहीं है। शुक्रवार को कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर दो पोस्ट किए और लिखा, कनाडा में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें कनाडा के हिंदुओं को देश छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। ये अपमानजनक और नफरत से प्रेरित है। यह कनाडा के लोगों और हमारे उन मूल्यों का अपमान है जिन्हें हम बेहद अहम मानते हैं। कनाडा में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो नफरती पोस्ट किए गए हैं उन पर कनाडा के आम लोगों से लेकर नेता तक चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने भी लिखा है कि कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जो हमारे मूल्यों के खिलाफ है। इससे पहले हिंदू फोरम कनाडा नाम के एक संगठन ने डोमिनिक लेब्लांक के नाम एक पत्र लिखकर खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू के बयानों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। उन्होंने इसमें प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह को टैग किया था और लिखा था, 18 सितंबर को प्रधानमंत्री ट्रूडो के संसद में बयान देने के बाद तनाव बढ़ गया है। पन्नू और उनके जैसे अन्य लोग जो खालिस्तान समर्थक हैं उन्होंने पहले भी साफ किया है कि वो उनकी विचारधारा से अलग लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने सोशल मीडिया पर सभी हिंदुओं के लिए संदेश लिखा। उन्होंने लिखा कि यह आपका घर है और आपको यहाँ रहने का हक है। कोई भी अगर इससे हटकर कोई बात करता है तो वो कनाडा के लोगों की दया और प्यार के मूल्यों को नहीं मानता। वहीं कनाडा में होने वाले चुनाव में जस्टिन ट्रूडो के प्रतिद्वंदी और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवर ने सोशल मीडिया पर खुलकर कहा है कि कनाडा के सभी नागरिकों को बिना किसी खौफ के जीने का और अपने समुदाय में रहने का हक है। इसी मामले पर कनाडा में रहने वाले कई भारतीय भी सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। श्री पराडकर पत्रकार हैं और कनाडा में रहती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं हिंदू हूं, मैं कई सालों से कनाडा में रह रही हूं। कभी कभी व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के कारण मैंने खुद को असुरक्षित महसूस किया है, लेकिन मैंने कभी किसी सिख व्यक्ति की वजह से खुद को असुरक्षित महसूस नहीं किया।